दो औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। नहीं नहीं, मैं किसी एक मिसाल दे रहा हूँ मैं इसके, जो अभी बात की है मैं, क्योंकि मुझ पर पाबंदी है। नहीं, ये बहुत अच्छी मिसाल है बात करने की। मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कह सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक हालात ऐसे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने तो ये मिसाल दी क्योंकि अभी जब आपने कहा ना कि जहर उगल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने मिसाल दी। वो तो हर जगह भी असली जिंदगी में भी होता है ऐसा। और जबकि दोनों एक्ट्रेस हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने सितारा और मेहरुन्निसा लिखा था तो उस वक्त असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता? उसमें बेटा, जब मैंने वो लिखा ना, उसमें कोई जबरदस्ती का मकालमा नहीं था। सही। जो बातचीत घरों में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है, दफ्तर जाते वक्त होती, वही बातचीत थी उसमें। कोई जबरदस्ती का अपडेट एक ड्रामा है जिसमें नौकर कह रहा है अपने मालिक से, हुजूर, दरवाजा जब खुलता है तो हवाओं के झक्कड़ से मुझे क्या लाना है तरकारी, मैं भूल जाता हूँ। ये नौकर कैसे कह सकता है किसी मालिक से, क्योंकि मकालमा जाना है उसके अंदर। तो ये कि अगर आप बेटा इस मुकाम पर हैं कि आप मना कर सकती हैं, ये स्क्रिप्ट मैं नहीं करूँगी। सही बात है, और मैंने बहुत दफा मना की। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ। स्क्रिप्ट जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे किस तरह की स्क्रिप्टें पढ़ने का मौका मिलता है। और बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ ना ही कहती रहूंगी जब तक आप मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हैं। मैं लिखूंगा, सच लिख रहा हूँ। तो मैंने एक प्ले लिखा है और कोई 10 साल बाद लिखा है टीवी के लिए। तो उसका नाम है पाबंदी। नहीं नहीं, पाबंदी का मतलब है पाबंदी अलग है। तो उस पाबंदी के ऊपर है कि पाबंदियां घर में कैसे लगती हैं, दफ्तरों में कैसे लगती हैं, एक लड़की पर शादी में कैसे पाबंदी लगती है। ये पाबंदी एक लड़की की जिंदगी में हर मरहले पर उसको मिलती है। सही बात। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है और ये बड़ी सच्ची कहानी है। हाँ, ये होता है यहाँ बिल्कुल। अक्सर जैसे कि घरानों की लड़कियों के साथ ये पेश होता है, अगर वो पढ़ी लिखी जरा सी नहीं है फिर वो उनको जिंदगी भर ये फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है पढ़ी लिखी से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, और आई होप कि आज यहाँ जो लड़कियाँ हैं, मैं हमेशा जब कभी जाती हूँ लेक्चर्स पे, मैं मुझसे पूछते हैं कि आप एक चीज लड़की जो कह सकती हैं, एक एडवाइस क्या देंगी लड़कियों को। फिर मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना कर पाती, बहुत सारी चॉइसेस नहीं कर पाती। और हम उस पर एम्फसाइज नहीं करते। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे घरानों से हैं, एक बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि महिला अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए, उसको तून देना नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है मियां बीवी में